नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। इस वीडियो में हम शनि वक्री होने की चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से शनि वक्री होने पर लोगों की लाइफ में भूचाल आ जाता है। इसके साथ ही हम इससे जुड़े उपायों के बारे में भी बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि की वक्री चाल कई राशियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, ऐसे में शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उन राशि वालों को कुछ खास उपाय करना चाहिए जिससे राहत मिलेगी। शनि 30 जून को वक्री होने वाले हैं। शनि की वक्री चाल कई राशियों के जीवन में भूचाल ला सकती है, क्योंकि जब ग्रह उल्टी चाल चलता है तो सभी राशियों पर इसका शुभ या अशुभ असर पड़ता है। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो वह पृथ्वी के नजदीक होता है, इसलिए भी उसका प्रभाव बढ़ जाता है। शनि की वक्री चाल जिन राशियों के लिए संकट खड़ा कर सकती है, उन्हें 139 दिनों तक कुछ खास उपाय करना चाहिए, इससे शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। शनि 30 जून 2024 रात 12:35 पर कुंभ राशि में वक्री होंगे। 15 नवंबर 2024 यानी कुल 135 दिनों तक शनि उल्टी चाल चलेंगे। तो आखिर क्या होगा शनि की वक्री दृष्टि का असर? शनि की वक्र अवस्था में थकान, अवसाद, चिंता, अनिद्रा, जोड़ों का दर्द, त्वचा संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। पुरानी बीमारियां भी फिर से परेशान कर सकती हैं। काम में कई तरह की बाधाएं आ सकती हैं। धन खर्च, रिश्तों में खटास, असाध्य रोग घेर सकते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए शनि के निमित्त उपाय करें। तो आखिर क्या है शनि की वक्री चाल में प्रवेश करने के बाद का उपाय? शनि की वक्री चाल मेष, वृषभ, मकर राशि वालों को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे में आप वक्री चाल में शनि की अशुभता से बचने के लिए हर रोज शिव जी की उपासना करें। रोजाना शिवलिंग पर एक बेल पत्र और एक लोटा जल अर्पित करें। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार को कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर छाया दान करें। शनि की शांति के लिए प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर समय और श्रम दान करें। वृद्धों और बीमारों की सेवा करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहें द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।